हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक सेक्टर के बारे में और उनके कुछ स्टॉक्स के बारे में जो हो सकता है आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करे मार्केट को, और हो सकता है ये स्टॉक्स लाइक आपका दो एक दो साल में हो सकता है मल्टी बैगर भी बन जाए, 4x 5x 10x भी रिटर्न हो सकता है। देखो, मैं गलत हो सकता हूँ, इसका चांसेस बहुत मतलब पूरा है, बहुत ज़्यादा नहीं पूरा है, मतलब मैं हो सकता हूँ, इसमें मुझे कोई शक नहीं है और मुझे कोई आशंका नहीं है कि मैं गलत हो सकता हूँ। हो सकता हूँ मैं गलत हो जाऊँ, हो सकता है मैं सही भी हो जाऊं। एक गलत होने का, देखो गलत होने के लिए दो तीन कारण चाहिए। पहला, कुछ पॉलिटिकली बहुत कुछ चेंज आ जाए, या फिर ग्लोबली कुछ बड़ा कुछ हो जाए, चेंज आ जाए, तभी शायद मैं गलत होऊंगा। मुझे अगर मार्केट बुल ट्रेंड में रहा तो मैं लाइक गलत होने का चांसेस थोड़ा कम है, मुझे लगता है ऐसा। लाइक देखो, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाऊँ, लेकिन मैं एक एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो हो सकता है मैं सही हो जाऊँ, हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, जो भी है ये आपके ऊपर है, आप कैसे देखते हो उसको, आप इसको स्टडी करो, इसलिए मैं लाया हूँ। और मैं इस सेक्टर का जो टॉप स्टॉक्स है सारे में सब कुछ लेके आया हूँ, ठीक है? तो देखना, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन लंबा होने के बाद भी अगर जो सीरियस पार्टिसिपेंट्स हैं उसके लिए है, और कोई बस स्टॉक का नाम देख के भाग मत जाना, तब आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तब आपको पता नहीं चलेगा कि इसके पीछे क्या रीज़न है, कैसे मैं कर सकता हूँ, मतलब कैसे आप लोग कर सकते हो उसको, और क्या मैंने इसमें कर दिया। आज देखो, आज मंडे है, आज ये कौन सा डेट है, हाँ अभी ट्यूसडे, सॉरी ट्यूसडे आज, और मैं आज बना रहा हूँ, मतलब मैं आज के दिन में ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हो चुका हूँ, इस सेक्टर में ऑलरेडी, ठीक है? इस सेक्टर का नाम है मेटल सेक्टर, और मुझे लग रहा है अभी ये सेक्टर भागने वाला है, लाइक अगले एक दो साल के लिए, मतलब थोड़ा सा लंबा वाला व्यू जो रखता है, जो लंबा पोजिशनल मोमेंटम इन्वेस्टिंग करता है या फिर लंबा ट्रेड करता है, जो साल भर के लिए रखता है, 2 साल के लिए रखता है, जब तक कि उसका लाइक ट्रेंड बैंड ना हो जाए तब तक वो रखता है, जब तक मतलब कुछ बिगड़ ना जाए तब तक वो रहता है। और तब तक के लिए अगर कोई ऐसा कोई सीरियस पार्टिसिपेंट्स है उसके लिए ये वीडियो है। तो मेटल सेक्टर जैसा लग रहा है मुझे अभी, देखो ये वाला पहला सपोर्ट है, ये वाला दूसरा सपोर्ट है, और ये एकदम अल्टीमेट सपोर्ट है मेरे लिए अभी, ठीक है? इसके नीचे आ गया तो, इसके नीचे अगर आ गया तो मेरे लिए हो गया सब कुछ ख़त्म, इस सेक्टर वाइज में बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं स्टॉक्स भी बात करूँगा, और अगर इसके ऊपर ये चला गया तब मेरा अल्टीमेट सपोर्ट हो जाएगा ये वाला, या फिर ये वाला मान सकते हो अल्टीमेट सपोर्ट हो जाएगा ये वाला, अगर इसको क्रॉस कर लेता है, और उसके बाद अगर कुछ पैटर्न बनाता है, ऐसा कुछ पैटर्न बना के ऊपर जाता है फिर से, देन मेरा ये वाला तब अल्टीमेट सपोर्ट हो जाएगा। ऐसा करके मैं इसको ट्रेल करते रहूँगा, ऐसा करके मैं उसको देखते रहूँगा, वो बाद में है, लेकिन ये अभी 2-3 साल के लिए। तो और मैं ऑब्वियसली मैं आज ऑलरेडी पोजीशन क्रिएट कर चुका हूँ इसमें, और मैंने कैसे पोजीशन क्रिएट किया मैं ये बताऊँगा आपको, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और अभी मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ उसका, तो पहला स्टॉक है, ठीक है, एक एक करके स्टॉक बताता हूँ। ये देखो, ये थोड़ा सा स्मॉल कैप स्टॉक है, तो थोड़ा देख के, और मैं ये बता दिया कि सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 रॉन्ग व्यू, इसके नीचे आने से मेरा व्यू रॉन्ग हो जाएगा, और जैसे इसको तोड़ेगा, इसको तोड़ के ऊपर गया तो मेरा सपोर्ट ये वाला अल्टीमेट बन जाएगा, इस ये वाला से ये वाला सपोर्ट बन जाएगा, देन इसको तोड़ेगा देन मेरा सपोर्ट ये वाला बन जाएगा। तो ऐसा करके मैं धीरे धीरे शिफ्ट करता रहूँगा, और भी बहुत कुछ है, और इसको मोस्टली मैं वीकली एक बार ही देखूंगा इसको, मैं ऐसा नहीं कि चार्ट में हर दिन इसको देखते रहूँ, मैं जो भी बाई करूँगा मैं उसको रख दिया, मैं इस सब में बाई किया, मैंने जो है सब में बाई किया, लेकिन मैंने सब में कैसे बाई किया वो भी बताऊँगा, एक साथ में नहीं किया, बहुत उसमें बहुत कुछ है। अभी मैं ट्रैक करूँगा पूरा सेक्टर को, पूरा जो मेरा 23 स्टॉक्स है उसको मैं हर वीकली वीकेंड में, मतलब हर वीकेंड में मैं ट्रैक करूँगा, उसके पहले मैं चार्ट देखूंगा ही नहीं, मैं वीकेंड के पहले चार्ट नहीं देखूंगा, वीकेंड के बाद मैं चार्ट देखूंगा, ठीक है? तो और मैं उसमें कैसा पैसा लगाना है नहीं लगाना उसके बाद धीरे धीरे मैं करता रहूँ, क्योंकि मेरा व्यू बहुत लंबा है, 2 साल 2.5 साल का मेरा व्यू है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे इसमें पैसा लगाता रहूँगा, और मैं इसमें अच्छा खासा मेरा एक एक्सपोजर बनाऊँगा, ठीक है? अगर मैं राइट हुआ तो अच्छा होगा, अगर ऐसा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप क्या बोलते हैं इसको, हाँ 2 साल बाद अगर मान लो मेटल सेक्टर बहुत टॉप कर गया, तो उसके बाद आप जो न्यूज़ चैनल में सुनोगे ना कि ये स्टॉक 2 साल में 10 गुना बढ़ गया, तो वो याद रखना, अगर मेटल सेक्टर से वो स्टॉक होता है तो मेरे पास है, वो याद रखना, तब आप सोच लेना कि हाँ इनके पास तो मेटल का वो स्टॉक है, ठीक है? नेक्स्ट है प्रकाश, इसमें भी देखो मैंने सब मार्क कर दिया, ये मेरे लिए अभी ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें देखो इसमें मैंने कैटेगराइज करके रखा है, ठीक है? इसमें कैटेगराइज करके रखा, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें जैसे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में ये स्टॉक्स हैं, ओके वैल्यूएशन में ये सारे स्टॉक्स हैं, और हाई वैल्यूएशन में स्टॉक्स हैं। हाँ मतलब आपको थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा, टाटा स्टील में यहाँ पर है, मेरे हिसाब से मैं इसका फंडामेंटल भी किया,
पूरा वीकेंड जो 3 दिन बंद था उस वीकेंड में मैंने पूरा इसमें ही काम किया। सब इस 23 स्टॉक का मैंने फंडामेंटल चेक किया, इन 23 स्टॉक का मैंने सब कुछ चेक करके आपको बता रहा हूँ। और मैं गलत हो सकता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और मुझे कोई अफसोस नहीं होगा मैं गलत होने पे, क्योंकि मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं लास्ट टाइम भी जब 2023 के मार्च उर्च में मैं स्टॉक्स पिक किया था, तब से मैंने मतलब मैं तब मेरा अच्छा चल गया, तो मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं एक सेक्टर पकड़ता, मैं ऑटो सेक्टर भी पकड़ा था बहुत पहले, वो तब मैंने यूट्यूब नहीं चलाता था, ऑटो सेक्टर भी तब पकड़ा था मैं, तो ऐसा करके मैं सेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट देता हूँ, एक एक सेक्टर करके पकड़ता हूँ। डिफेंस सेक्टर भी पकड़ा था मैं, लेकिन डिफेंस सेक्टर में थोड़ा जल्दी निकल गया मैं ऑलरेडी, जो भी है। तो ऐसे में सेक्टर पकड़ के ज़्यादा मैं काम करना पसंद करता हूँ, और उसको लंबा वाला व्यू रखना पसंद करता हूँ, वो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है उस मोमेंटम इन्वेस्टिंग में, ज़्यादा मुझे मज़ा आता है। तो अभी इसमें क्या, मैं एक दो बार मैं गलत भी हुआ हूँ, एक दो बार मैं गलत हुआ हूँ। आईटी में एक बार मैं थोड़ा सा गलत हुआ था, तो ऐसा हो सकता है, कोई गलत कोई इसमें नहीं, लेकिन मैं जब बनाता हूँ अच्छा बनाता हूँ मैं, वही है, क्योंकि मेरा इन सब में मेरा 1:20-30 तक जाता है रिस्क रिवॉर्ड, ऐसा हो जाता है लास्ट में अगर मेरा फेवर में गया तो। ठीक है, तो अभी प्रकाश सेकंड, तो फिर ये आपका महाराष्ट्र सिमलेस, ठीक है महाराष्ट्र सिमलेस का भी देख लो। फिर है जिंदल सौ, फिर है वेलकॉप, फिर है NMDC, फिर है हिंदाल्को, फिर है सेल, फिर है जिंदल स्टील, फिर है भारत वायर, ऐसे कुछ थोड़ा सा स्मॉल कैप स्टॉक्स भी, कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी डालता हूँ, कि उसमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, उसमें सबका नज़र इतना नहीं रहता। जयसवाल आपका, ISMT लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम, फिर आपका शंकरा, इसका थोड़ा शायद नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, हाँ ठीक है इसका देख लो, इसका भी दिख रहा होगा आपको, हाँ शंकरा, फिर MMP, फिर आपका मुकंद लिमिटेड, आपको मैं बताया ना मैं कैसे करूँगा इसको ब्रेक करने से, तो आपको बता दिया ऑलरेडी, फिर आपका बैडमुथा, ये सब थोड़ा सा स्मॉल कैप स्टॉक्स है, देखो अपर सर्कल लोअर सर्कल लगते रहता है, लेकिन मैं इसमें कैसा करना है मैं वो आपको बताऊंगा, इसलिए मैं बोला बस नाम देख के मत चला जाओ, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर वेदांता, वेदांता थोड़ा हाई वैल्यूएशन पे है, फिर आपका MSPL, फिर हिंद कॉपर, फिर STLX, फिर है टाटा स्टील। ठीक है, ये हो गया आपका 23 स्टॉक, अभी स्टॉक नहीं और, ठीक है तो अभी मैं कैसे करूँगा इसमें, देखो मैं आज मैं क्या किया, जो जो इसमें इसमें जो एट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे, ठीक है इसमें थोड़ा ज़्यादा लगाया, और मैं मान लो मैंने पूरा पूरा मुझे सेक्टर में पूरा मुझे मान लो 2 लाख रुपए लगाना है मान लो, तो मैं आज सिर्फ 10,000 रुपये ही लगाया, क्योंकि मुझे 23 स्टॉक ये ट्रैक करना है। इसमें से लास्ट में कितना रहेगा पता है, इसमें से लास्ट में रहेगा 4 या 5 मैक्सिमम रहेगा, सब छटनी हो जाएगा। छटनी कैसे होगा, जो आउट परफॉर्म करेगा वो रहेगा, जो लाइक आपका अंडर परफॉर्म करेगा उसको मैं बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, तो ऐसे करके मैं छटनी करता रहूँगा, फिर प्राइस एक्शन देखूंगा, सब कुछ देख देख के छटनी होते रहेगा, लास्ट में मेरा 4-5 स्टॉक हो जाएगा जो सबसे आउट परफॉर्म करेगा और वही रहेगा और उसमें मैं रहूँगा। तो अभी जैसे कि सब स्टॉक्स में सब में मैं आज पैसा लगाया, सब में 2300 का 2300 में लगाया। तो इसमें मैंने कैसे किया, मान लो ये वाला जैसे इस जो एट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा लगाया। ठीक है, मान लो इसमें एक एक स्टॉक में मान लो एक एक स्टॉक में मान लो 100 रुपये लगाया। ठीक है, इस वाले में जो ओके वैल्यूएशन में उस पर मान लो मैंने 60 रुपीज़ लगाया पर शेयर में, इसमें पर शेयर में मान लो 100 रुपीज़ लगाया, इसमें पर शेयर में मान लो 60 रुपीज़ लगाया, और जो लो वैल्यूएशन मतलब जो सॉरी हायर वैल्यूएशन में है उसमें लगाया मैंने 40 रुपीज़ पर शेयर में। ठीक है, इसका पूरा उल्टा हो सकता है, इक्वेशन बाद में चेंज हो जाता है कि यहाँ से कोई स्टॉक बहुत आउट परफॉर्म कर गया या यहाँ से बहुत कोई स्टॉक बहुत आउट परफॉर्म कर गया, इट्स ओके, मैं इसको सडनली ट्विक कर सकता हूँ, इसको ट्विक करके मैं इसमें पूरा एक्सपोजर बना सकता हूँ, मैं इसमें भयंकर एक्सपोजर बना सकता हूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं अभी जस्ट स्टार्टिंग के लिए मैं रखा है ऐसा करके, ये पहले से मैं ऐसा करता हूँ, तो ये रखा अभी जैसे इसमें 100 रुपये लगाए, इसमें 60, इसमें 40 पर स्टॉक्स में। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी मान लो एक स्टॉक जा रहा है ऊपर जा रहा है तो और जो नीचे जा रहा है, तो मैं यहाँ से काट के आगे स्टॉप लॉस हिट हो ना हो, क्योंकि मैं धीरे धीरे चेंज करता रहूँगा। अभी मान लो कि मैंने बोला 2 साल के लिए, तो ये अगले 5-6 महीने तक मेरा वो 5-6 महीने तक मेरा 7-8 स्टॉक आ जाएगा, और शायद 7-8 महीने में मेरा 4-5 स्टॉक आ जाएगा और वही रहेगा, क्योंकि तब तक पता चल जाएगा। ठीक है, एक स्टॉक ऐसा जा रहा है तो इसमें मेरा
बढ़ता रहेगा और इसमें मेरा घटते रहेगा, इन घट इसमें मैं काट दूंगा इसमें घटते रहेगा, ऐसा टाइप का होगा मेरा, ठीक है। जैसे कि आपको बताया था कि अभी देखो, मान लो ये प्रकाश इसमें ये वाला, जैसे कि आज ये ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, क्योंकि मैं वीकली देखूंगा, मैं आपको क्लियर बोला, तो वीकली देखूंगा, मान लो ये वीकली में यहाँ पर क्लोज कर देता है, मान लो वीकली में यहाँ पर क्लोज कर देता है, ठीक है। ये कोई रिकमेंडेशन है, आप देखो, आप सीखो इससे, बस आप लोग आ जाते हो कि हाँ बता रहा है इसको बाय कर लो, अब लॉस होगा ना आप संभाल, कि मैं तो संभाल पाऊंगा, मैं तो मुझे पता है कहाँ काटना है, क्या करना है, नहीं करना। अब देखो, सीखो, फिर आप इसको स्टडी करो अच्छे से, तब जाके आप भी खुद भी समझोगे। आप मान लो वीकली में यहीं पर क्लोज हो गया, ऐसे कैंडल बनाया, वीकली में भी ये कैंडल बना दिया, ठीक है, मान लो, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मेरा ये थोड़ा सा ये वाला थोड़ा ऊपर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको ब्रेक कर दिया। देन मैं इसको नेक्स्ट मंडे को ही थोड़ा और पैसा डाल दूंगा, यहाँ पर है, यहाँ पर ही डाल दूंगा थोड़ा और पैसा, ठीक है, और पैसा थोड़ा डाल दूंगा और इसको मैं रखते रहूँगा, ठीक है, ये हो गया। और मान लो दूसरा सिनेरी आ गया, मान लो, ठीक है, तो अभी ये स्टॉक नीचे आ गया, यहाँ पर आ गया, नीचे आ गया, और दूसरा कोई स्टॉक, मान लो ये वाला महाराष्ट्र सिमलेस, मान लो ये ऊपर चला गया, ये मान लो यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ इसको भी ब्रेक कर दिया और ये नीचे आ रहा है, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ लेकिन ये ब्रेक कर दिया, तो मैं इसको प्रकाश को निकाल दूंगा या फिर थोड़ा इसमें से आधा निकाल दूंगा और थोड़ा इसमें ऐड कर दूंगा पैसा, ऐसे करके मैं करूँगा, धीरे धीरे बढ़ते रहूँगा, मैं पिरामिडिंग अप करता हूँ, और नीचे भी मैं, जैसे कि अभी ये स्टॉप लॉस हिट होना ज़रूरी नहीं है कि हर कोई, आप सोच रहे हो कि रॉन्ग व्यू तक आने तक मैं वेट करूँगा, नहीं करूँगा, और हर किसी का मैं मान लो कि ऊपर इसको ब्रेक करने का वेट करूँगा, नहीं करूँगा, मैं उसके अंदर भी प्राइस एक्शन बनते रहेगा, मैं उसको देखते रहूँगा, डेवलप होते रहेगा, मैं देखते रहूँगा। ये जस्ट एक आपको व्यू दिया, इसलिए मैं बोला आप जस्ट स्टॉक देख के बाय करना मतलब, आप देखो इस सेक्टर पे आप नज़र रखो, अगर हो सकता तो नज़र रखो, देखो गलत होता हूँ तो गलत हो जाऊँगा, वीडियो तो रहेगा यहाँ पर, राइट हो गया तो राइट हो गया, तब भी वीडियो रहेगा। तो मेरा ये व्यू बहुत लंबा है, मैं बोला आपका 2 साल तक का ऑलमोस्ट है मेरा व्यू, और मेरा ये स्टॉप लॉस यहाँ का इंडेक्स वाइज इस लेवल तक का है, ये वाला जो जंक्चर इसके नीचे नहीं आना चाहिए, आने से मेरा ख़त्म हो जाएगा। अगर इसके ऊपर रहा, देखो अगर ये मान लो साइडवेज चला गया, ये धीरे धीरे यहीं पर है, यहीं पर ये सब स्टॉक शायद परफॉर्म नहीं करेगा, तब मेरा सब देखना, धीरे धीरे मेरा लार्ज कैप में मेरा शिफ्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो क्यों हो जाएगा, लार्ज कैप थोड़ा सा शायद तब थोड़ा सा स्टेबल रहे, तो मैं उसमें ज़्यादा पैसा धीरे धीरे पार्क करता रहूँगा जो स्मॉल कैप में रहेगा, और अगर ये अच्छा मूव करता है फिर मैं उस स्मॉल कैप में आ जाऊँगा। मेरा 23 जो स्टॉक है, मेटल 2024 का जो स्टॉक्स है, ये तो रहेंगे 23 स्टॉक, तो इसको मैं ट्रैक करते रहूँगा, क्योंकि मैं फंडामेंटल वाइज 23 को निकाला, अच्छा स्टॉक्स है 23, मतलब इतना बुरा नहीं है, फंडामेंटल वाइज इतना बुरा स्टॉक नहीं है, मतलब उतना एकदम घटिया स्टॉक नहीं है, तो इसलिए आप इसमें देख सकते हो, ये सब ये लिस्ट आपको ले सकते हो, इसमें आप देख के ट्राई कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो थोड़ा शायद लंबा हो गया पता नहीं, बट इसमें इन्फॉर्मेशन मिला आपको, भर भर के इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और इसको आप कैसे कर सकते हो वो भी मैं बताया। तो वीडियो मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो दोस्तों के साथ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया और अपना ख्याल रखना।